हेलो प्यारे बच्चों। तो यार जो है CUET UG की आंसर की हालांकि रिलीज कर दी गई है। आंसर की रिलीज करने के बाद बहुत सारे कॉलेजों के जो पोर्टल है वो ओपन हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन है, जामिया का ऑलरेडी ओपन था, ठीक है, BHU का ओपन हो चुका है। मेनी मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगातार अपने पोर्टल ओपन करती जा रही है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, सबके पोर्टल ओपन। जस्ट लाइक हम हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के वीडियोज बना रहे हैं ऑलरेडी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको जो भी है अपडेट मिल जाएगा किसका पोर्टल ओपन हुआ है किसका नहीं हुआ है। इसके साथ यार एक बड़ी अपडेट थी रिगार्डिंग द रिजल्ट कि भैया रिजल्ट कब आ रहा है हमारा। तो यार आप मान के चलो टिल 16 सितंबर को, 16 सितंबर को जो आपको टिल शाम तक आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी आपके फाइनल आंसर की के साथ ही जो आपका जो रिजल्ट है वो NTA की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंडिविजुअली जो भी है आप सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक जो है आप अपने कहीं भी रजिस्टर ना करें किसी भी कॉलेज के पास। जस्ट लाइक आफ्टर चेकिंग द रिजल्ट कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल टारगेटेड एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पर्सनलाइज एडमिशन लेना चाहते हैं देन नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टीम है वो इंडिविजुअल एडमिशन किस बच्चे के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, हाउ टू गेट द एडमिशन, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो चाहे वो लोन इश्यू हो, सारा का सारा जो है प्रोसेस हमारी टीम संभालती है। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। और भी कभी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें यार रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप मान के चलो कि टिल 16, ठीक है, 16 तक तो आ जाएगा, ठीक है, 16 तारीख लास्ट मान सकते हो आप, 16 तक रिजल्ट जो है UG का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और हालांकि एडमिशन पोर्टल ऑलमोस्ट जो कॉलेज के लिए अभी ओपन हो चुका है, ठीक है।